हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ एक बजट 3 BHK प्रॉपर्टी थाने घोड़बंदर रोड में। प्रोजेक्ट का नाम है कास्केड एवेन्यू। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने काफी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना रखे हैं। प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं जो वीडियोस के लिंक है जो मैंने पहले ही बना के रखे हैं उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। आज मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको ये जो 3 BHK और एक 3.5 BHK का जो लेआउट है, जो बनाया गया है 1+1 BHK के जोड़ी को कंबाइन करके, जैसे जोड़ी बना के, तो ये कैसे आप लेआउट बना सकते हो, आप अपना लेआउट डिजाइन कर सकते हो। इसमें आप एक 3 BHK बना सकते हो, 3.5 BHK बना सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। 3 BHK अगर आप बनाते हो तो क्या साइजेस आपको हॉल के मिलेंगे, और अगर 3.5 BHK बनाते हो तो आपको हॉल के साइजेस क्या मिलेंगे और बाकी बेडरूम के साइजेस क्या मिलेंगे, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्राइस मैं आपको इसके पहले ही बता देता हूं, मैं इसमें कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा कि आप वीडियो एंड तक देखिए तभी आपको प्राइस पता चलेगा। गाइस, अगर लोअर फ्लोर पे आप लेते हो ये जोड़ी, तो आपका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है इंक्लूडिंग पार्किंग आपका जाएगा अराउंड 1 करोड़ 2 लाख के आसपास। और अगर आप हायर फ्लोर पे जाते हो तो आपका ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग विद 2 कार पार्किंग जाएगा 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। ये दोनों प्राइसिंग ऑलमोस्ट फाइनल है, इसमें ज्यादा नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा बहुत नेगोशिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे 3 BHK थाने घोड़बंदर रोड पे, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम एक प्रॉपर 3 BHK आपको जाता है अराउंड 1 करोड़ 35 लाख प्लस टैक्सेस। और जैसे ही जैसे आप टुवर्ड्स थाने सिटी की तरफ मूव करते हो तो यही 1.5 करोड़ 180 2 CR 2 CR प्लस भी जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कारपेट साइज। अब इसका अगर हम कारपेट की बात करेंगे तो इसकी जो कारपेट है वो एक पर्टिकुलर फ्लैट की कारपेट है 426, और ये रेरा कारपेट है, ये यूजेबल कारपेट नहीं है। आजकल आप कोई भी डेवलपर के पास जाओगे तो सारे आपको यूजेबल कारपेट पे ही बात करते हैं, बट हमारा 426 का रेरा कारपेट है जो आपको इंटरनल कारपेट आपका मिलेगा आपके फ्लैट के अंदर। अभी अगर आप ये दोनों फ्लैट कंबाइन कर देते हो तो आपका टोटल रेरा कारपेट जाएगा 426 प्लस 426 का, प्लस जब आप अगर एक जोड़ी बनाते हो तो जो वॉल्स वगैरह आप निकालोगे तो वॉल के नीचे का कारपेट भी आपको एडिशनल इसमें मिलता है। सेकेंडली, इसमें आपको बालकनी के लिए छज्जा दिया गया है, बालकनी नहीं दी गई है, तो ये छज्जा आप ओसी के बाद कवर करके बालकनी बनाकर यूज कर सकते हो, तो वो बालकनी का जो स्पेस एडिशनल आपका यूजेबल स्पेस में काउंट हो जाएगा। तो अब चलते हैं लेआउट की तरफ, मैं आपको पूरा लेआउट एक्सप्लेन करता हूं, और जैसा मैंने बताया कि इसमें और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आई बटन में मैंने वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे आप जा सकते हो जिसमें मैंने लोकेशन एक्सप्लेन किया है, सैंपल फ्लैट 1 BHK का दिखाया है, तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलते हैं लेआउट की तरफ, मैं आपको 3.5 BHK प्लस 3 BHK दोनों लेआउट एक्सप्लेन करता हूं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों जो लेआउट फिट किया है वो सेम कारपेट में फिट किया है, तो आप या तो सेम कारपेट में 3 BHK बना सकते हो या सेम कारपेट में आप 3.5 BHK बना सकते हो। तो वीडियो देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच गाइज। ये है हमारा पहला लेआउट जो है 3 BHK 1+1 जोड़ी का, तो हम इसमें अभी शुरू करता हूँ मैं हॉल से। अगर आप इसका लिविंग साइज देखें तो आपको एक ह्यूज लिविंग साइज मिलता है, जो आजकल के आप एक प्रॉपर 3 BHK में भी देखोगे तो मिलना मुश्किल है, 25.1 x 10। और सेपरेट एक डाइनिंग स्पेस इसमें मिल रहा है 9.10 x 4.9। अब इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, इस लेआउट के हिसाब से यहाँ पे एक डाइनिंग स्पेस बनाया है, लेफ्ट साइड में एक सिटिंग एरिया बनाया है, और सामने आपका एक आ जाता है वॉशरूम, जो कॉमन वॉशरूम है 7 x 4 का। तो ये हो गया लिविंग एरिया, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एल शेप लिविंग एरिया मिलता है। अगर आप देखोगे तो दरवाज़ा खोलते साथ ही आपका डाइनिंग एरिया दिखेगा, बट आपका ये जो लिविंग एरिया है, जो सिटिंग एरिया प्रॉपरली जो बनाया गया है, वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा जो भी अगर बाहर खड़ा रहता है उसको। अब मैं लेके चलता हूँ आपको किचन की तरफ, तो किचन अगर आप देखोगे तो 7 x 8.3 का आपका किचन है, जहाँ पे एल शेप प्लेटफॉर्म यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली प्लेस किया गया है, तो काफ़ी स्पेस आपको मिलता है किचन में भी।
अभी हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो राइट साइड का बेडरूम अगर आप देखोगे तो 9.9 × 12.1 का है, जो ऑलमोस्ट नहीं 120 स्क्वायर फीट का आपका प्रॉपर बेडरूम बनता है। और इसमें कबर्ड स्पेस आपको 6 × 2 का मिल रहा है, तो काफ़ी बड़ा बेडरूम है। मतलब आप एक प्रॉपर 6x6 का बेड रख के अगर आप वार्डरोब भी बनाते हो तो भी काफ़ी स्पेस आपको मिलेगा मूव अराउंड करने के लिए। और ये किचन और बेडरूम के बाहर भी आपको एक छज्जा मिल रहा है, जिसको आप फ्यूचर में बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर सोसाइटी ने परमिट किया तो। अब ये अगर वॉशरूम का साइज देखेंगे, जो अटैच वॉशरूम है वो 7x4 का है, तो ऑलमोस्ट सारे वॉशरूम के साइज सेम है, 7x4 का है। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो एक किचन है 7x8.3 का, इसको एक स्टडी रूम बनाया गया है यहाँ पे। और उसके आगे का जो बेडरूम है, जो दूसरा मास्टर बेडरूम है, वो 12.1 × 9.10 ऑलमोस्ट सेम है कबर्ड स्पेस के साथ में। तो यहाँ पे भी आपको 7x4 का एक वॉशरूम मिल जाता है, जो कि आपका अटैच वॉशरूम है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लेआउट है 3BHK के लिए। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड से भी पूरा ओपन है, राइट साइड में अगर आप देखोगे जो डाइनिंग एरिया है, किचन है और बेडरूम है, वहाँ से भी ये पूरा ओपन है। तो मतलब आपको पूरा ओपननेस मिलेगा, क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा इसमें। और इसका USP है, इसके बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है और इसका जो हॉल साइज है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ये है 3BHK का लेआउट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 3.5BHK के लेआउट पे। तो ये बेडरूम के बाजू में अगर आप देखोगे, जो एक कॉमन टॉयलेट था आपके डोर के सामने ही, मेन डोर के सामने, वो यहाँ पे निकाल दिया गया है और यहाँ पे एक पैसेज बना दिया गया है। तो पैसेज से आपका जो एक स्टडी रूम है या जो आप पूजा रूम बना सकते हो, वहाँ से आपको पैसेज से वो एक्सेस मिल जाएगा। प्लस एक एडिशनल राइट साइड में अगर आप देखोगे तो मेन डोर के राइट साइड में एक वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम ऑलरेडी है, तो इस कॉमन वॉशरूम की जो निकाला गया है उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ से आपको एक पैसेज भी मिल जाता है और वो पैसेज में आप वॉशिंग मशीन वगैरह सेट करके प्रॉपर एक आपका ड्राई एरिया भी बना सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बाकी के जितने भी साइज़ है बेडरूम के, किचन के और वॉशरूम के, वो एग्जैक्टली सेम है जो पहला लेआउट मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें सिर्फ इतना ही किया है कि एक कॉमन वॉशरूम को निकाल के पैसेज बना दिया है और हॉल में एक दूसरा बेडरूम एडजस्ट किया है। तो दोनों लेआउट काफ़ी अच्छे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कितने मेंबर्स है आपके फैमिली में उसके हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। दोनों का प्राइस एग्जैक्टली सेम है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम बची है, हार्डली 2 से 3 ही ऑप्शन जोड़ी फ्लैट्स के बचे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कीजिए और विजिट करके बुक कीजिए अपना अपार्टमेंट। तो गाइज ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको ये लेआउट मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको ये लेआउट पसंद आया है और आपको लगता है कि ये प्राइस में आप की फैमिली के लिए ये पर्टिकुलर लेआउट एग्जैक्टली फिट होगा, तो आप मुझे जरूर कॉल कीजिए। और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जो इस वीडियो से या मेरे प्रीवियस वीडियो से इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मिल पाई है, तो भी आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साइट विजिट करना है, प्रॉपर्टी बुक करनी है, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो हमारे थ्रू अगर आप जाते हो। और अगर डायरेक्टली भी जाके अगर फॉर्म पे सिर्फ नवनिधि प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का नाम लिखते हो तो आपको एडिशनल 50,000 का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। और कोई भी ऐसे लेआउट्स अगर आपको जानना है या आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लेआउट्स को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन करूं, या किसी दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी आपको एक कंपेरिजन वीडियो, जो आपका रिक्वेस्ट है उसके अनुसार मैं लेके आऊँ। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।